बरेली में 21 उत्तर प्रदेश वाहिनी एनसीसी बरेली का 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 95 बरेली कॉलेज में चल रहा है। एनसीसी का यह कैंप दिनांक 3 जून से चल रहा है, जो कि दिनांक 12 जून 2019 तक चलेगा। इस कैंप में बरेली के अलावा शाहजहांपुर, बदायूं, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, धामपुर एवं मीरगंज आदि के विभिन्न स्कूल कॉलेजों के 600 बालक एवं बालिका कैडेट भाग ले रहे हैं। आज दिनांक 7 जून को एनसीसी कैंडिडेटों को सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर जयवीर सिंह ने आपदा प्रबंधन के बारे में और आपदा से बच के तरीके के बारे में विस्तार से बताया गया। कैंप कमांडेंट कर्नल आशुतोष बहुगुड़ा ने बताया कि इस कैंप में कैंडिडेटों को फायरिंग ड्रिल, मैप रीडिंग, वादा दौड़ एवं अनुशासन के साथ साथ सेना के तौर तरीकों को सिखाया जाएगा। एनसीसी का यह कैंप कैंडिडेटों को सेना में कैरियर बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। फंस जाते हैं या फंसा हुआ कोई व्यक्ति है तो उसको बचाने के लिए जानकारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, हमें जानकारी। एक तो हम इंसान है, मानव है, मानव होने के नाते मानव का बचाव करना हमारा कर्तव्य है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है कि अगर हमें जानकारी है बाढ़ से बचने की तो हम उनको बता तो सकते हैं कि आप इस तरह से अपना बचाव करें। जब बड़े पैमाने पर बाढ़ आएगी तो हमारे सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास इतने संसाधन नहीं होंगे कि सब लोगों को और बाढ़ के पानी से बाहर निकाल सके। हमें खुद भी प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा या छोड़ दिया जाए कि जाने दी है, जान बचाने का प्रयास तो करना पड़ेगा। तो हमारे घरों में क्या चीज है, जैसे 2-4 किलोमीटर के बीच में पानी भर, जैसे कोई गांव है और 3-3, 4-4 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है, उस पानी से हम किस तरह से निकल सकते हैं बाढ़ में से। हाथ खड़ा करके सब होती है चारपाई। अब हमारी बात को ध्यान दें, जैसे चारपाई होती है लकड़ी की, चारपाई होती है और एक होती है लोहे की चारपाई। तो लकड़ी की चारपाई है उसको उल्टा करके पानी पे डाल के और बैलेंस बना के दो दो लोग दोनों पर बैठ जाएं, यानी वजन का भी हमें ध्यान रखना है और पानी को पीछे करते जाएं तो हम बाढ़ के पानी से बाहर निकल सकते हैं। लोहे की चारपाई डूबेगी नहीं, एक लोहे की चारपाई का अमूमन वजन 5 से 6 किलो है, इतने लाइट वेट की आ रही है कि ज्यादा वजन नहीं होता और पाइप जो होता है बहुत हल्का होता है। तो अगर प्लास्टिक की चारपाई है उसको भी उल्टा करके डाल लें तो उससे भी हम बाढ़ के पानी से बाहर आ सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कोल्ड ड्रिंक, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, उस बोतल को का ढक्कन टाइट करके और टाइट करने के बाद 5 बोतल और जो खोटा गांठ होती है रस्सी, तो 5 बोतलों को एक दूसरे से जॉइंट कर दें, हम ढक्कन नीचे और चेस्ट पर बांध लें और नारियल की रस्सी मिल जाए तो ज्यादा सही है। ढक्कन बंद है और ढक्कन को नीचे रखना है, अगर ढक्कन खुल भी जाएगा आप उल्टी बोतल करके और पानी की मजबूत बाल्टी ले उसमें ढक्कन को खोल के और बोतल को डालें उसमें, तो पानी एक बूंद नहीं जाएगा उसके अंदर। अगर ढक्कन खुल भी जाता है फिर भी पानी बोतल के अंदर नहीं जाएगा। तो 5 बोतल अगर हमने अपने चेस्ट में बांध ली, 1 लीटर बोतल जो पानी में वजन है वो वेट लेती है 10 किलो, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है तो वो कितना वजन लेगी 20 किलो, और हमने 5 बोतल अपने चेस्ट पे बांधी है तो कितना वजन लेंगे वो 100 किलो, 1 क्विंटल। 1 क्विंटल वजन तक का व्यक्ति पानी पर लेट के और बाढ़ के पानी से बाहर आ सकता है। हमारा ये कैंप CATC 95 के नाम से है, ये कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप है, ये 3rd से शुरू हुआ है और अगले 10 दिन 12 तक ये चलेगा। इसमें करीब 600 कैडेट्स
जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न के शामिल हैं और पहली बार हमारी बटालियन में बॉय बटालियन से मिक्स बटालियन हुई है, तो इस बार लड़कियां भी जूनियर विंग और सीनियर विंग की शामिल हैं। इस कैंप के दौरान हम ना केवल बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग और एक अच्छा नागरिक और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कैसे बना जाए उसके बारे में हम उनको जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विसेज, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एनसीसी का रोल, कहीं पर किसी तरह का नेचुरल या आर्टिफिशियल आपदा आती है तो उसमें एनसीसी कैडेट्स कैसे रिएक्ट करेंगे और कैसे कम्युनिटी की सहायता करेंगे, इन सब के बारे में जानकारी दी जा रही है। मिलिट्री ट्रेनिंग में हम उनको बेसिक फायरिंग का मौका दे रहे हैं, साथ ही साथ उनको फौज में जाने के तरीके बोथ रिक्रूट लेवल पर और ऑफिसर लेवल पर हम सिखा रहे हैं। और जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है जिसमें मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट इत्यादि की भी जानकारी दे रहे हैं। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।